नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं भारत समाचार। और भारत समाचार की टीम पहुंची है अमेठी के गौरीगंज में। और कांग्रेस कार्यालय में क्या माहौल है, आखिरकार कैंडिडेट को लेकर तारीख पर तारीख क्यों चल रही है, हम चलते हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं कि क्योंकि कल धरने पर भी कार्यकर्ता बैठे थे हतोत्साहित होकर के, तो किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है जानने का प्रयास करते हैं। दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं। भैया, कब तक ये तारीख पे तारीख लोग धरने पे बैठ रहे हैं? हम सोचते हैं इनो की बिक्री बढ़ जाए, कुछ लोगों को एसिडिटी हो रही है, उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। जो लोग तारीख खुदे बता रहे थे, स्मृति जी, पूरे अमेठी में घूम घूम कर राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके दिल को सुकून ना पड़ जाए, इसलिए हमने उनके सारे खेल को होने दिए, उनके नामांकन को होने दिया। हम चाहते थे खबरें उन्हीं की तरफ से आए तो बताती रहीं, लेकिन हम कांग्रेस के लोग अस्वस्थ हैं। हमारा अमेठी का होने के नाते और गांधी परिवार का होने के नाते एक रिश्ता है, वो मोहब्बत का है, वो रहेगा। जहाँ तक इनका सवाल है, अराजक लोग हैं, आपने खुद देखा, सारे चैनलों ने चलाया, इनके गुंडों ने, इनके बदमाशों ने हमारे कांग्रेस दफ्तर में घुस के तोड़फोड़ की, अराजकता फैलाई। इस बात को मोहर किसने लगाई? इस बात को मोहर खुद इनके पूर्व मंत्री जो भी MLA हैं, सुरेश पासी जी, इन्होंने कहा कि जिला बदर, गुंडे, हिस्ट्री सीटर खुलेआम घूम रहे हैं। तो मुकाबला गुंडों से है, हिस्ट्री सीटरों से है, अपराधियों से है, जो हर मोहल्ले में पाए जाते हैं, कांग्रेस कार्यालय तक तोड़फोड़ करने आ जाते हैं। तो हम गांधीवादी लोग हैं, इनको गांधीवादी तरीके से, कांग्रेस के संविधान और लोकतंत्र तरीके से जवाब मिल जाएगा। हमें भरोसा है कि हमारा नेता आएगा और ये अहंकारी अराजकता फैलाने वाले वापस गुजरात जाएंगे। लेकिन ये कब आएंगे आपके नेता, पता नहीं है, तारीख पे तारीख, फिर से मेरा वही सवाल। देखिए, आपका चैनल तो सबकी खबरें दिखाता है, कुछ गोदी मीडिया भी है जो सिर्फ अराजकता बताती है, दंगों की बात कराती है, मंगलसूत्र पे कहानी कराती है। राहुल गांधी का ऑरा इतना बड़ा है और अमेठी का सम्मान, गौरव इतना बड़ा है उनके नाते कि देश के बड़े बड़े चैनल दिन दिन भर अमेठी पर डिबेट कर रहे हैं। तो एक स्पेस जो नहीं देना चाहती थी नेशनल मीडिया, देना पड़ रहा है ना, अभी स्पेस ले रहे हैं, आगे चलकर वोट लेंगे और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेंगे। कल लोग धरने पर भी बैठ गए थे, हतोत्साहित तो हो ही रहे? नहीं, बिल्कुल हतोत्साहित नहीं थे। देखिए, हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जिस तरह से जब सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा दिया था तब भी लोगों ने मांग की थी उनसे। कल जो हमारे संगठन के साथी बैठे थे वो धरना नहीं दे रहे थे, वो बता रहे थे कि आपसे जो मोहब्बत का नाता है वो आगे भी रहेगा, हम आपको चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, वो उनसे आग्रह कर रहे थे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अब राहुल गांधी तो अभी आए नहीं हैं, किस तरीके का माहौल है, कैसे प्रचार करेंगे, बहुत कम समय बचा है। पूरी अमेठी की जनता राहुलमय हुई है, जिस दिन नामिनेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ की जनता खुद उनका प्रचार करेगी। राहुल जी सिर्फ नामिनेशन कर दें उसके बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 4 जून को हम लोग उनको इतने भारी बहुमत से जिता के यहाँ से भेजेंगे कि पूरी भाजपा स्मृति ईरानी की रातों की नींद गायब हो जाएगी। एक तरफ BJP के लगातार प्रचार चल रहा है, क्या मुद्दे आपके होने वाले हैं इस बार के? हमारे पास मुद्दे बेरोजगारी है, अमेठी से जो छीना गया है, IIIT, फूड पार्क, ये सब 200 बेड का अस्पताल, ये सारे मुद्दे हैं। आवारा पशु, हमारे किसान भाई सभी परेशान हैं, पूरी अमेठी की जनता परेशान है स्मृति ईरानी गुंडों से। तो हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं और जनता उन्हीं मुद्दों के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। जी बताइए, राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से और आपको ये शुभ संकेत आज शाम तक मिल जाएंगे और राहुल जी यहाँ 3 तारीख से पहले पहले पर्चा दाखिल। महज 2 दिन बाकी रह गया है नामांकन का, आज का दिन भी अभी जो है इंतजार में ही कट रहा है। जी, ये अमेठी है, अमेठी राहुल गांधी का है और अमेठी का हर घर राहुल गांधी का परिवार है। और जो स्मृति जी, जो अनावश्यक उनके गुंडे, उनके बदमाश, जिस तरह से अभी तो लड़ाई ये है कि पहले अपना कैंडिडेट लेके आओ भाई। हमारा कैंडिडेट तय हो चुके हैं और हमारे कैंडिडेट के लिए अब कोई विलम्ब नहीं है, हम लोग खुद तैयारी में हैं, तैयार होकर बैठे हैं और जैसे ही हमारे कैंडिडेट आ जाएंगे सारा पूरा अमेठी का प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक घर, हम लोग, लोगों का संगठन मजबूत है, हम लोग अपना काम करेंगे। दूल्हा है नहीं, बारात पूरी खड़ी है, कब जाएगी बारात? दूल्हे की क्या जरूरत है जब घर के ही है तो जी।
उसमें ज़रूरत ही नहीं है। बारात की रही बात, दो दिन और है, बैठ करिए, देख लीजिए, एकदम रिजल्ट सामने है। राहुल जी पर्चा दाखिला करेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पे अमेठी में एकदम पूरा माहौल बना हुआ, जनता चुनाव लड़ रही है। अब की बार जनता चुनाव लड़ रही है, लेकिन लड़ाई तो किसके लिए, कैंडिडेट तो लेके आओ। राहुल जी के लिए लड़ेगी, अभी तो दो दिन शेष हैं। हाँ जी, अभी तुम्हारे पास समय है। आप कहते हो घर है हमारा, घर है हमारा, घर है हमारा, 19 हारे भी आप, 19 हारे भी आप, और अभी तक कैंडिडेट लेके नहीं। नहीं, हमारा ही अकेले नहीं है, राहुल जी का भी घर यही है। हारने की बात रही तो छल कपट से तो कोई भी हरा सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से, आपकी बात सब समझ लिया है पूरी जनता ने कि अब इनको जो है दीदी को यहाँ से विदा कर देना है, क्योंकि इन्होंने पूरे 5 साल में सिर्फ प्रधानों और बीडीसी के कामों को गिनाया है, अपना कोई काम नहीं, अपना काम सिर्फ एक किया है कि इन्होंने अपना घर बनवाया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। यही सुजानपुर में जो है इन्होंने गोद लिया था, समझ लीजिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें आप जाइए तो खुद एक मानसरोवर खुद आने जाने के लिए उन्होंने बनवा दिया है, ये हाल हो गई है। तो इनका तो हारना तय है, बाकी राहुल जी आएंगे भारी बहुमत से, यहाँ चुनाव जीतेंगे। बूथ और यूथ हमारा है, खूंत उनके पास बचे हैं, वो खूंत सहारे लड़ रही हैं। तब तक पिछली बार पाप किया था, पिछली बार अमेठी वासियों ने पाप किया था, इस बार प्रायश्चित के मूड में हैं। ठीक है, राहुल गांधी को इस बार पूरी तरीके से हम लोग वोटिंग करने वाले हैं और राहुल गांधी के लिए बेचैन हैं। उनका नाम आज शाम तक संभवतः डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे DCC में, कांग्रेस कार्यालय में सारी तैयारियां पूरी हो रही हैं, लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तो कुल मिला के अमेठी का युवा, अमेठी का नौजवान, अमेठी के लोग जो पिछली बार स्मृति ईरानी को वोट दे करके पाप किए थे, इस बार प्रायश्चित करने के मूड में हैं। और आप देखिएगा जैसे 1977 में रायबरेली के लोगों ने इंदिरा जी के खिलाफ वोट किया था, उसके बाद बेचैन हो गए थे, सेम वैसे हम अमेठी वाले 5 साल बाद। कल तो आप धरने पर बैठे थे, धरने पर बैठे धरना, उसको राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं, दिल की बातें थी। वो लोग अपना गिला शिकवा जो था वो पहुंचा रहे थे कि भैया अब लेट हो रहा है, वो हो रहा है, जल्दी से घोषणा करिए। वो भी स्ट्रेटजी के तरीके से है, स्ट्रेटजी के तहत है, उसमें कोई ये नहीं है इफबट जैसी कोई स्थिति नहीं है, वो केवल एक रणनीति के तहत है कि स्मृति ईरानी को हम कितनी रात और बेचैन कर सकते हैं, कितनी रात उनको ठीक से सोने नहीं दे सकते। घर में लड़ाई लड़ो, कोई रणनीति है भाई, हम कौन सा लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा तो क्लियर है ना, हमारा क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारे नेता क्लियर है। रणनीति तो उनके लिए है ना कि वो कितनी और रातों को राहुल के नाम पे चौंकेंगी। और भी लोग हैं, कब तक? अब कार्यालय हम लोग आए हैं, राहुल जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कार्यकर्ता लोग, पदाधिकारी लोग, सभी लोग आए हैं। बहुत बेचैनी है अमेठी क्षेत्रवासियों को कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ें, और जो बेचैनी है ना स्मृति ईरानी की, जो तड़पड़ाहट है, हलचल है, गांव-गांव घूम रही हैं, पंचायत कर रही हैं, जितना इच्छा है उनको कर लें। बीते 5 वर्ष से वो यहाँ पर रही, 5 वर्ष यहाँ पर रही, तब पंचायत उनको नज़र नहीं आया, जनता नज़र नहीं आई, लोगों का दुख नहीं नज़र आया, सड़कें नज़र नहीं आई, विकास नज़र नहीं आया, और हमारे विकास पर उठा ले जा रही हैं, विकास को उठा ले जा रही हैं। सोचिए, जब विकास की नहीं तो विकास को उठाएंगी? ये जो भद्दी राजनीति स्मृति ईरानी जी कर रही है ना, जनता पूरी तरह जान चुकी है। कैंडिडेट तो ले आओ अपना। अरे वो राहुल गांधी हैं, मैं भी राहुल हूँ, पूरा क्षेत्र राहुल गांधी है। और भी लोग हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? राहुल गांधी तो अभी आए नहीं, कांग्रेस का अगर कोई और दूसरा कैंडिडेट आता है तब क्या हालात रहने वाले हैं? मैं जिलाजीत पांडे, ठगी पीड़ित जमा करता। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि अभी 2 घंटे में कंफर्म हो जाएगा राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मैं भाजपा सरकार को हराना चाहता हूं और हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सहारा अनिबुलियन कम्युना यूनाइटेड बहुत सारी चिटफंड कंपनियों को मोदी सरकार ने बंद करने का काम किया है और उसको दिलाने का काम हमारे राहुल गांधी जी करेंगे, इसलिए मैं इनके पार्टी में जुड़कर उनको जिताना चाहता हूं, और ये पैसा दिलाने का काम राहुल गांधी जी करेंगे, और राहुल गांधी जी अभी 2 घंटे में कंफर्म होके आ रहे हैं और चुनाव दमदारी से लड़ेंगे। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो लोकल प्रत्याशी के रूप में जिलाजीत पांडे उनका मदद करने के लिए तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, क्या क्या मुद्दे हैं? आप लगातार झंडा लेके जो है कांग्रेस का झंडा बरदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका कैंडिडेट नहीं आया। देखिए, ये वक्त बदलाव की आंधी है जिनका नाम है राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी, दो ही शब्द, बदलाव की आंधी जिनका नाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रायबरेली, अमेठी, पूरा देश देख रहा है। और रह गई बात किसानों की, मजदूरों की, महंगाई से लेके, आटा से लेके, दाल से लेके, चावल से लेके,
पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार। उसका पहली बात तो 400 पार कहीं मार्केट तो लगी नहीं है कि वहाँ बाजारों से खरीद के लाएंगे। और माननीय राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और बहन प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और यही मैसेज पूरे देश में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से, अपना बोरिया बिस्तर समेटे और माननीय राहुल गांधी आ रहे हैं। और रह गई अमेठी की जनता, अमेठी की जनता राहुल गांधी प्रचार कर रही, राहुल गांधी नामांकन करेंगे, जनता चुनाव लड़ेगी अमेठी रायबरेली की जनता। बिल्कुल, तो आपने सुना कि ये है कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लगातार तारीख पर तारीख चल रही है, बिना दूल्हे की बारात तैयार है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार दूल्हा अमेठी कब आता है।